तो आज हम एक गधे मुझे की कहानी देखना है। पढ़ेंगे। तो क्या होता है? एक जंगल में, बहुत घना जंगल था। जंगल में कौन रहता है? जल्दी जल्दी से आंसर देना, फिर टाइम हो जाएगा बहुत ज्यादा। शेर, हाँ, जानवर, टाइगर, जंगल में जानवर रहते हैं। शेर तो टाइगर, एक शेर ब्लैक, टाइगर, हाँ, और बियर, तो एक हाँ ब्लैक बियर, कलर, वही एक, बोलना चाह हाँ, रहा था। तो एक ब्लैक कलर का गधा था। वो कहाँ रहता था? जंगल में, एक घना जंगल था। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना कितना ज्यादा जंगल है। तो फिर क्या होता है, एक गधा था और उसके दो दोस्त थे। आप स्क्रीन पे देखकर जल्दी से आंसर देना, वो दो दोस्त कौन थे? कौन थे, कौन कौन दिख रहा है आपको? बंदर, हाँ बंदर, हाँ तो उसके दो दोस्त थे, एक तो मंकी, क्रोकोडाइल, हाँ उसके दो दोस्त थे, एक तो मंकी और एक हिप्पो। ठीक है, एक मिनट रुकना। एक मिनट बेटा, ये ज्यादा चलेगी। तो उसके दो दोस्त थे, कौन कौन थे? हिप्पो मंकी। हाँ, और वो जो गधा था वो बहुत ही मतलब छोटा सा और ब्लैक कलर का था। तो वो क्या सोचता था कि अरे जिराफ तो कितना बड़ा जानवर है, कितना लंबा है, सबसे बड़ा है। तो जानवर में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, पता है किसी को? माइक अगर फोन नहीं हो रहा तो ओपन करके रखो आप। कौन सा जानवर सबसे बड़ा है, सबसे लंबा? जिराफ, जिराफ, हाँ, जिराफ। तो गधा क्या सोचता था कि काश मैं भी जिराफ की तरह लंबा होता। सब सब मेरी रिस्पेक्ट करते, बोलते कि हाँ मैं भी सबसे लंबा जानवर हूँ, और हिरन की तरह मैं भी सुंदर होता। तो मतलब मेरे से भी बोलते कि तुम तो कितने ब्यूटीफुल हो। वो बहुत सैड होता था कि मैं तो काला हूँ और मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं तो मतलब मेरा कोई आदर नहीं करता। और शेर को जब वो देखता था, तो शेर को देख के वो बोलता था कि अरे ये तो कितना ताकतवर है। शेर जंगल का राजा होता है ना, तो वो बोलता था कि अरे ये तो कितना ताकतवर है, काश मेरे में भी ये ताकत होती तो सब मुझसे भी डरते जैसे इससे डरते हैं। तो और शेर, शेर किसने देखा है? शेर तो नहीं देखा होगा किसी ने भी। दीदी हाँ, मैंने भी नहीं देखा शेर। तो वो क्या सोचते थे, वो क्या सोचता था कि काश मैं भी इतना ताकतवर होता तो सब मुझसे भी डरते। तो वो अपनी ये बातें, उसके जो दो दोस्त थे, ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, एक तो हिप्पो और एक मंकी। तो वो उनसे क्या जाके बोलता है कि मैं काला हूं, काश मैं भी कुछ ऐसा हो पाता कि मैं सफेद कलर का हो पाता, फिर सब सब मुझसे भी खुश होते और मैं भी किसी के सामने कुछ कहता, हाँ मैं भी वाइट कलर का हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, इस तरह से। तो फिर मंकी, देखो ये दिख रहा है ना मंकी और हिप्पो, मंकी बोलता है उससे, अरे अरे ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, एक ना जंगल में जादुई गुफा है। तो ये हिप्पो बोलता है उससे, अरे इसको मत बताओ, इसको मत बताओ, वो जंगल की जो गुफाएं हैं, वो जो गुफा है वो बहुत डेंजर है, मतलब बहुत ही डेंजरस है, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो क्या बोलता है मंकी, अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बताते हैं। और गधा भी उससे बोलता है, अरे बताओ बताओ, मैं गोरा होना चाहता हूँ, मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। तो फिर वो उसको बताता है कि जंगल में एक गुफा है और उस गुफा में जाकर जो भी हम अपनी इच्छा बोलते हैं वो पूरी हो जाती है। तो जो गधा है वो बहुत खुश होता है।
कि अरे मेरी भी इच्छा पूरी हो सकती है, तो वो उसको बहुत मतलब उत्सुकता होती है, वो बहुत एक्साइटेड होता है कि अरे मैं भी अब मेरी भी इच्छा पूरी होगी, मैं भी गोरा दिखने, मैं भी व्हाइट कलर का दिखने लगूंगा, तो वो जल्दी से जाते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, देखो ये जा रहे हैं ऊपर ऊपर पहाड़ी पर जा रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पर जा रहे हैं, और वो कहता है चल एक मिनट रुकना, ऊपर पहाड़ी पर जा रहे हैं और वो कहता है कि चलो चलो वोरी, चलो जादू की गुफा में चलते हैं। तो गधा बहुत ही खुश होता है कि चलो अब जादू की गुफा में जाएंगे, अब मेरी भी इच्छा पूरी होगी, अब मुझे कोई, ऐसे उसके माइंड में चलता रहता है। तो फिर क्या होता है, एक बहुत ही वहां जब वो गुफा में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या था, बहुत ही अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। तो जब वो वहां पर जाते हैं वो देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो कितना अंधेरा है, वो तीनों आपस में बातें करते रहते हैं। अरे धीरे धीरे वो सोचते होंगे कि अरे धीरे धीरे बोलो, पता नहीं क्या है, जब आप अंधेरे में जाओगे तो आपको भी डर लगता होगा ना, किसी बंद घर में चले जाओगे तो आप भी डरोगे कि अरे यहाँ पर क्या अंधेरा है, चुप हो जाओ, कोई आ गया तो वो भी आपस में ऐसे ही बोल रहे थे। तो तीनों बातें कर रहे थे कि नहीं कौन जाएगा वहां पर, हम तीनों जाएंगे या हम मतलब कौन अंदर जाएगा, डर लग रहा है, इस तरह से वो बातें करते हैं। तो गधा क्या बोलता है, अरे तुम सब चुप हो जाओ, मेरे को व्हाइट होना है ना, मैं व्हाइट होने के लिए आया हूँ, तो मैं अंदर जाऊंगा, मैं देखता हूँ जाके क्या होता है, क्या ये सच में विशेष पूरी होते हैं, उसके मन में ये भी चल रहा होगा। तो गधा बोलता है कि चलो मैं जाता हूँ, और ये इधर देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, और वो गधा अंदर जा रहा है जो ब्लैक कलर का गधा था। फिर क्या होता है, तो गधा तो अंदर चले गया, अब ये दोनों आपस में बातें करते रहते हैं, हम सो ये बोलते रहते हैं अरे अरे अब देखो अब जादू होगा, इस तरह से आपस में ये बातें कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे, इतने गधा आएगा, इतने हम किस तरह से करें, कैसे करें, अरे गधा तो व्हाइट कलर का हो जाएगा, तो इस तरह से ये बातें करते रहते हैं। फिर ऐसे ही हंसते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, एकदम से गधा आता है व्हाइट कलर का, ये दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे, ये कौन कौन से वाला गधा है, वही वाला जो अभी ब्लैक कलर का अंदर गया था, वो किस कलर का हो गया था, जादुई गुफा में जाके व्हाइट कलर का। तो अच्छा ये दोनों, हाँ तो ये दोनों से देखकर क्या हो जाते हैं, एकदम शोक हो जाते हैं, अरे ये तो व्हाइट कलर का हो गया, और गधा बहुत खुश होता है, मैं तो व्हाइट कलर का हो गया, मैंने जो मांगा था मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैंने जैसा बोला था वैसा ही हो गया, वो सब उसको बता रहा, वो बताता है दोनों दोस्तों को कि अरे मैं तो अंदर गया था और मैंने वहां जाकर बोला जादुई गुफा में कि मैं सफेद रंग का होता, और देखो मैं हो भी गया। तो वो सब बताता है बंदर को और हिप्पो को। तो ये दोनों बहुत मतलब शोक होता हो गया, और खुश भी, मतलब गधा जो था वो खुश भी था। अब ये जो मंकी है बोलता है कि अरे तुम तो व्हाइट कलर के हो गए, अब व्हाइट कलर पे कपड़े अगर गंदा होगा तो व्हाइट कलर का कपड़ा जल्दी गंदा होता है ना, जब आप मतलब थोड़ा सा भी काम करने लगते हो, थोड़ा सा भी उस पे कलर लग जाए, अगर कोई डार्क कलर का होगा तो वो दिखेगा नहीं, तो व्हाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो जल्दी गंदा होता है। तो मंकी उससे बोलता है अरे तुम तो काले कलर के ही अच्छे थे, मतलब तुम कितना भी मतलब वो तो बता रहा होगा कि अगर तुम एक दिन नहाओगे, एक दिन ठंड में नहीं नहाओगे तो तुम गंदे लगोगे, और एक दिन में तुम्हारा व्हाइट कलर पे गंदगी दिखने लगेगी, अगर ब्लैक कलर के होते तो तुम पे गंदगी इतनी जल्दी नहीं दिखती। तो ये सब गधा क्या सोचता है कि अरे सही कह रहे हो तुम, मैं तो ब्लैक कलर का ही सही था, व्हाइट कलर का तो जल्दी गंदा हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो बोलता है कि चलो मैं फिर से जाता हूँ उस गुफा में, और फिर से मतलब फिर से बन कर आऊंगा, ब्लैक कलर का बन के आ जाऊंगा वापस, क्योंकि मैं जैसा था वैसा ही अच्छा हूँ, ब्लैक कलर का ही अच्छा था। तो ये देखो जा रहा है ना वापस उसी गुफा में जाता है। तो ये दोनों आपस में फिर बातें करते रहते हैं, और इस तरह से फिर गधा क्या हो जाता है, ये देखे वो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो अब क्या होता है, फिर ये तीनों उस गुफा में जाते हैं अंदर। तो तीनों जब गुफा में जाते हैं तो अब भी मतलब वो संतुष्ट नहीं था, अब भी वो चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब जो मुझे, मैं अच्छा दिखूं सबके सामने। तो तीनों गुफा में जाते हैं, उस अंधेरी वाली गुफा में, ये देखो यहाँ पर अंधेरा अंधेरा है, कितना ज्यादा अंधेरा है, बस उनकी आंखें आंखें दिख रही हैं। और वो क्या करते हैं, वो तीनों आपस में बस
उस जादुई गुफा में जाके वो बोलते हैं कि मैं सफेद रंग का हो जाऊं, मैं काले रंग का, मैं इस तरह का, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो वो वहां पे ऐसे कभी कुछ बोले जा रहे हैं, कभी कुछ बोले जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, उस गुफा में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर क्या होता है, वो जब वो कंफ्यूज करे जा रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं काश मैं, अरे नहीं नहीं मैं व्हाइट कलर का हो जाऊं, नहीं नहीं मैं सफेद कलर का हो जाऊं, नहीं नहीं मैं पीले कलर का हो जाऊं, ऐसे तीनों आपस में बोलने लगते हैं। तो क्या होता है फिर, उस गुफा में, जादुई गुफा जो होती है उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर बाहर आके क्या होता है, बाहर आके जब वे बाहर निकलते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, ये बंदर और हिप्पोस पर हंसने लगते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, जो ये दोनों उस पर हंस रहे थे, तो क्या हुआ, जो ये गधा था ये रंग बिरंगा हो गया, ये मतलब और बुरा हो गया उसके साथ। अब वो अच्छा नहीं दिख रहा था, रंग बिरंगा दिख रहा था, और मजाक उड़ा रहे थे दोनों, उसके दोस्त भी उसका। तो क्या क्या हुआ वो, तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमको जैसा भी बनाया है, हम काले भूरे छोटे बड़े, मतलब जिस भी तरह का जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन हमारे मन में, मेरे मन में भी बहुत बार हमारे मन में ये आने लगता है, अरे इस दोस्त के पास तो इतने अच्छे कपड़े हैं, और ये तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, इस दोस्त के पास तो इतनी अच्छी किट है, इतनी अच्छी डोल है, मेरे पास भी होती, और काश मेरे मैं भी मतलब इंटेलिजेंट होता, मेरे पास भी इतनी बुद्धि होती। तो हम ये सोचने लगते हैं और हम संतुष्ट नहीं होते, मतलब हम खुश नहीं होते जो परमेश्वर ने हमें दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और उद्धार पाने के बाद भी हम संसार में भटकते हैं, ऐसा नहीं है कि उद्धार पाने के बाद हम कोई पाप में नहीं गिरते, हमसे कोई गलतियां नहीं होती, होती है, हमसे बहुत गलतियां होती हैं, और बहुत बार झूठ भी बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या क्या कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको शांति दूंगा, मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो हमें संसार में नहीं भटकना। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये स्क्रीन पर खड़ा है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। हम भी ऐसे बहुत बहुत बार इस रास्ते पर खड़े होते हैं कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं। लेकिन जैसा आज वैसली अंकल भी बता रहे थे कि एक ही रास्ता है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का, जो सच्चाई का रास्ता है, और हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना है, जो बाइबल पढ़ने से हमें पता चलता है, जब जो संडे स्कूल में सिखाया जाता है उसको सीखने से पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। तो हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और जैसे वो गधा क्या था, संतुष्ट नहीं था कि काश ऐसा था, वो ये सोचता रहता था कि काश मैं लंबा होता, काश मैं ताकतवर होता, तो मैं ये कर पाता, सब मेरा रिस्पेक्ट करते। तो हमें ऐसा नहीं सोचना कि अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, काश मेरे पास भी होता। मेरे मन में भी आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर ने जैसा भी हमको बनाया है हमें उसमें खुश रहना है, परमेश्वर का हर एक बात के लिए, चाहे हम बीमार हो तो भी परमेश्वर का धन्यवाद देना कि प्रभु जी धन्यवाद आपने, आप, क्योंकि रोमियो 8:28 के अनुसार एक विश्वासी के जीवन लाइफ में सभी बातें मिलकर अच्छी भलाई को उत्पन्न करती है, उसके लिए, उसके भले के लिए होती हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। और तो आज हमने तीन मेन बातें, और जो आपने सीखा आप भी बताना, सबसे पहले कि दूसरों से अपने आप की तुलना ना करें, और सेकेंड था कि परमेश्वर ने जैसा भी हमें बनाया है, जितना भी हमें दिया है, थोड़ा ज्यादा, ना ही ज्यादा पाने के बाद हमें घमंडी होना है, और ना ही थोड़ा पाने के बाद हमें निराश होना है। जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हर बात में, चाहे बीमारी हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, दुख हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, स्तुति करनी है। और तीसरा, परमेश्वर में ही सच्ची शांति है, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी बड़ी हमारे पास महल हो, कितनी भी हमारे पास गाड़ियां हो, कुछ नहीं होगा जब तक हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो आप जल्दी से माइक ओपन करके एक एक बच्चा बताएगा कोई एक बात जो उन्होंने अपनी लाइफ में आज सीखी इस कहानी से। तो सबसे पहले मैंने आस्था, देखा आस्था, अच्छा बताओ बेटा, ए?
हाँ बेटा आप बताओ। जो भी आपने सीखा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें खुशी रहना चाहिए। हाँ, और आदि परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, अनंत स्तुति सृष्टि दीदी, परमेश्वर ने जैसा भी हमें बनाया हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हाँ, सृष्टि सृष्टि स्तुति जो भी है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। दी हमें जैसा भी परमेश्वर ने दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। अब अनंत, हाँ, अनंत और कुछ बताएगा कुछ नया? ये तो चार बच्चों ने बोल दिया एक एक ही पॉइंट। दीदी हमें अपनी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसा भी परमेश्वर ने हमें दिया है हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। और कौन बचा? सनाया सनाया इंजल दीदी हमें जब हम कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो जो हमारा मजाक उड़ाता है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो अच्छा बन सके। दीदी हाँ, वेरी गुड बेटा। और हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। तो आज का मेमोरी वर्स याद करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा वर्कशीट करेंगे। तो वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे। एक्शन करना जैसे जैसे मैं बोलूं। मैं यानी कि कौन? परमेश्वर। मैं इसलिए आया कि आया वे कौन? हम कि वे कि जीवन जीवन पाए जीवन और बहुत आयत पाए से पाए। और यूहन्ना दस दस का दस बहुत यूहन्ना कदर हाँ। का अब चलो ये बताओ, मैं कौन है यहाँ पर? ये जो मैं लिखा है किसके लिए लिखा है? परमेश्वर के लिए, हाँ परमेश्वर हाँ तो परमेश्वर हाँ, तो एक और बार फिर से करेंगे। मैं इसलिए आया कि के लिए वे यानी कि हम है ना मैं जीवन पाए जीवन पाए और और बहुत आयत से खाए। बहुत यूहन्ना दस का दस दस का दस देखो, का एक और बार फिर से करेंगे। बेटा कहीं से शोर आ रहा है। एक और बार फिर से करेंगे। मैं इसलिए आया आया कि वे जीवन जीवन पाए और पाए बहुत आयत से पाए। का यूहन्ना दस का दस, 10:10। दस अब एक बार सनाया करके दिखाओ। सनाया बेटा आप का करके दिखाओगे? मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए जीवन और पाए बहुत आयत बहुत आयत से पाए। से पाए। यह दस का दस हाँ, यूहन्ना दस का दस। तो आज का वर्कशीट है एक।
बस आपको आज का सिंपल सा है कि आपको तीन बातें लिखनी है, बहुत ही छोटी छोटी सी, जो आपने आज की कहानी से सीखा, और आपको या वो जो आज आपको अच्छा लगा, आप आज की कहानी से अपने जीवन में क्या आपको सीखना चाहिए। तो लास्ट प्रेयर दी, लास्ट प्रेयर करेंगे टीना दी, लास्ट प्रेयर करें। हाँ जी निशा, आप कर दीजिए। जी जो रुड़की भवन वाले उसमें बैठे सिस्टर, आप करोगी? आई प्रे इन इंग्लिश, इज इट ओके? जी, Dear Heavenly Gracious Father, thank you for this beautiful fellowship with these children, my Lord. Bless them with your grace, bless them your with your mercy. Whatever they heard, let this word of God be fruitful in them, my Lord. Fill this little souls with your grace. In Jesus' precious name, I pray. जय मसीह की सबको। जय मसीह की। जय मसीह।